आपको पता है कि जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई शायद आप पैदा भी नहीं होंगे। आपको पता है मकबूल भट्ट के ऊपर आरोप क्या? देश के ऊपर जब आजादी हुई तब आप नहीं पैदा हुए, नहीं आप नहीं पैदा हुए, देश की आजादी की आप भी नहीं पैदा हुए थे, और मैं उस आजादी की बात भी नहीं कर रहा। जब संविधान देश में लागू हुआ तब आप पैदा नहीं, आप पैदा नहीं हुए, आप भी पैदा नहीं हुए, आप भी पैदा नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। तो मैं सवाल पूछना जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री जी 35 बरस में एमए किए हैं, हम 30 बरस में पीएचडी किए हैं, क्या गलत किए हैं मोदी जी, आप ही बताइए। कश्मीर गुलाम है क्या आपको लगता है? कश्मीर गुलाम है, कश्मीर गुलाम है क्या, बोलिए जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि मैं गुलाम हूं। हम तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर है। 5 स्टार करके चॉकलेट निकालते थे तो हमने निकाली सुपर स्टार, और खाने में इतनी टेस्टी है तो ऐसे खोलो और ऐसे ऐसे खा जाओ। बहुत जोरदार मामला है। आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे, फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग से सोच के करेंगे। स्मृति ईरानी एक ऐसी मंत्री हैं कि सबका डिग्री बढ़ता है, इनका डिग्री घटता है। इस बार के चुनाव में इन्होंने कहा कि हम 12वीं पास हैं, इससे पहले के चुनाव में बोली थी कि हम बीए पास। जिसने नहीं की हो पढ़ाई लिखाई वो तो यूनिवर्सिटी में जो है मारपीट और दंगाई ही हो सकता है ना। और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, और झूठ बोल करके मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है, ये आपके इसमें कहने की बात है? नहीं नहीं, तो आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं नहीं मानते? हम तो मानते हैं। आप बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं। हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं का ये मतलब नहीं है कि हम घास खाते हैं। अगर तुमको लगता है कि अमित शाह तुम्हारा फुफ्फा है, जब तुम्हारे फुफ्फा से हमको डर नहीं लगता है तो तुमसे हमको डर लगेगा। उन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, हाँ। ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। गाली मत दीजिए। नहीं दोगला गाली नहीं, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक और दोगला गाली नहीं, तो आप दोगला है। आप दोगला है बिल्कुल, यदि तुम्हारी जगह बात करूंगा, यदि तुम्हारी बात ही दोगली है, तुम्हारे जैसा बात आपके नेता दोगला है, तुम्हारे जैसा बात दोगला है। हम राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी हम राष्ट्रवादी है, तुम कम्युनिस्ट हो। गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए, गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है। राजनीति में नया भूचाल ला दिया। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेवान में झांक के देखें। इस बयान से पूरी तरह हम असहमत और इस बयान की हम निंदा करते हैं। इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा जी को। चाहने की थी, अगर किसी के मन को कष्ट पहुँचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसको बुलाया नहीं जा सकता, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। खुद प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि वो साध्वी प्रज्ञा को कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं चलता रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ऐसे अराजक और क्रिमिनल लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं। क्रिमिनल बोलते हैं सर, क्रिमिनल होते हैं तो अभी तक इनका सर नहीं फूटी होती। क्रिमिनल है तुम्हारा। पहली बात तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ये जे एन यू से डिफेक्टिव फीस कैसे निकला है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कितना फीस दिए थे जे एन यू में? ये कितना फीस दिए थे जे एन यू में जरा पूछिए। लेकिन हम निकल गए थे, पढ़ के निकल गए। हम वही हैं। अरे शर्म नहीं आता, हम भी निकल गए। क्या बोलते हैं, देखिए ये खुद सस्ती फीस में पढ़े हैं, अपने बाल बच्चा को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे, इनको दर्द होता है कि गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है ये सब। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं बताइए। अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं गरीबी मत बेचो, गाली प्रधानमंत्री बोलते हैं गरीब इसलिए क्योंकि गरीब रखा तुम लोगों ने। प्रधानमंत्री को हम गरीब, कांग्रेस ने, वामपंथियों ने यानी साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिला के देश को गरीब रखा, और आज देश में इकोनॉमी मूव करने लगी है। गरीब गरीब नहीं रहे, 5% हो गया है। मत बेचो यार, गरीब को मत बेचो। गरीब 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 क्या है? गरीब को इतना लायक बनाओ। नरेंद्र मोदी गरीब है, चाय बेचते थे लेकिन अब मतलब अमीर हो गए हैं। ये इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ एक बहुत ही नापाक गठबंधन किया 1967 में, और उन्होंने जाके सारे वामपंथी विचारधारा महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ, देख लो, देख लो, ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकल नाम बताता है। उनकी बात करते हैं सुनते नहीं। इस देश का भी कुछ नीति निर्माता है, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी,
महंगाई कम होगी, बहुत हो गई सही, मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में है। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे। मैं नहीं कहता हूँ कि मोदी जी की बात को आप मत माने, क्या अद्भुत आदमी है। देखिए आप लोग हंस दिए, आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। ट्रुथ टाइप का हो गया है कि कभी सच नहीं बोल सकते हैं। ये यूनिवर्सल जैसे होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ। मोदी जी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाइफ। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, जैसा भी आप सोच लीजिए। और सरकार के ऊपर दबाव बनाना ये विपक्ष की जिम्मेवारी है, लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा तो मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डेमॉर्ट है क्या कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? क्या चला रहे हैं? फेक इट टिल यू मेक इट, मींस आप झूठ पे झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जैसा ही एक खरीद मोदी जी से बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। मैडम एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। मोदी जी जब बोलते हैं ना कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। और आप कह रहे हैं कि फेंक रहे हैं। बोल रहे हैं। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी का निकनेम लोगों ने क्या रखा है? आप बोल सकता है मेड इन इंडिया। बागुरु जी कहते हैं मेड इन इंडिया। नागपुर में मेट्रो बन रहा है, कंपनी का नाम पढ़े हैं? कहाँ की कंपनी है? चाइना की है। आप सब लोग देशद्रोही हैं। कहाँ की कंपनी है? आप सब लोग भी चाइना बोल रहे हैं। आप जी न्यूज क्यों नहीं देखते हैं? लोग जी न्यूज देखा कीजिए। यह है मेक इन इंडिया। क्या इस देश की किसी कंपनी के पास इतना स्किल नहीं था क्या? स्किल इंडिया। और जब आरबीआई ने कहा कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते भाई, सितार के तार को इतना ही खींचिए जितना में सुर भी निकले, ऐसा ना हो कि टूट जाए। उर्जित पटेल कहा ओके बाय बाय। कि आप स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं, क्या इसमें कोई शक? तो आप अपना माँ बाप बदल दें क्या? नहीं। क्या मेरिट है आपके लल्ला का? क्या साका क्या मेरिट है? क्या मेरिट है? सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए कि उनकी शकल हूबहू अमित शाह से मिलती है, उस आदमी का क्या मेरिट है? उसको कैसे इस देश में बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया? पूछेंगे कोई सवाल, कोई ठोकेगा ताल, बताएगा कि नेशन वांट्स टू नो? हम चैलेंज करते हैं आपको, हिम्मत करेंगे सवाल। जेएनयू से आपको चिड़ इसलिए है कि जेएनयू सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाता है, जेएनयू सवाल पूछना सिखाता है। मेरिट का तर्क ला करके हमारी लड़ाई को गुमराह कर देंगे? आइए भेजिए जिसको भेजना है, कौन सा आपका सबसे सुयोग्य संतान है उसको भेजिए बहस करने के लिए। हम बहस करेंगे आपसे, हम आपको बताएंगे कि मैरिट क्या होता है। और मेरी माँ तो सरकारी नौकरी नहीं है, 3,000 कमाती है। बताइए जेएनयू था इतना पढ़ा के सिखा दिया है ना कि जो आप पे हुक्म चलाता है ना उसको हम आंख दिखाते हैं। तो जेएनयू की बचाने की लड़ाई आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, आपके बच्चों के पढ़ने की लड़ाई है। सब बात चुपचाप बोलिएगा, फिर एक भी झूठ बीच में नहीं घुसा दीजिएगा। स्मृति ईरानी जी जब हम स्टूडेंट लीडर थे तो हमारी शिक्षा मंत्री थी। कमाल का एक चीज हुआ इस देश में, आप लोगों को याद दिला देते हैं। 2014 के एपी डिबेट में वो ग्रेजुएट थी और 2019 में जब चुनाव लड़ी 12th पास हो गई वो। लोग आगे बढ़ता हो नीचे चली गई, कैसे? क्योंकि वो झूठ बोली थी, चुनाव आयोग से झूठ बोली थी। आप लोग भी झूठ बोलने में माहिर हैं। मैं आपको बता दूं ये रसिया स्टालिन कहां कहां चले जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि देश में अभी क्या हो रहा है। देश में ये हो रहा है, वो अच्छा महिला का सवाल उठाइए। आज रिपोर्ट आई है कि भारत जेंडर गैप के मामले में 117वें स्थान पर चला गया है। ये क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश में एक साजिश रची जा रही है देश के नागरिकों के खिलाफ। मुझे लगता है कि मोदी जी पे हमको भरोसा रखना चाहिए। जब तक मोदी जी हैं
इस देश में किसी भी आरोपी को कुछ नहीं होगा, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, सदाचारी हो जाएंगे, जैसे अजीत पवार हो गया, जैसे मुकुल राय हो गया। आप ऐलान करेंगे, आप करने वाले हैं क्या? आप मतलब आप देशद्रोहियों को बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप कैसे राष्ट्रवादी रहेंगे बताइए? मुझे भरोसा संविधान में कोई आज नहीं हुआ है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं, 1936 में बना, इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, और जिन शिक्षित लोगों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनके दादा परदादा पिताजी की जानकारी लेंगे, वो सब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे, और आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे, ये जानकारी आपको होना चाहिए। जब वो सरकारी गवाह बन गए अंग्रेज की तरफ से, तब उनको संगठन से निकाल दिया गया था। ये आपका इतिहास है, ये अंग्रेजों के साथ जाने का आपका इतिहास है। हम देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। कि हम क्या चाहते, आजादी, सुनसान सड़क पर आजादी, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, और नकली राष्ट्रवाद से भी आजादी चाहिए हमको। में धर्म में लिंग में क्षेत्र में भाषा में बटा हुआ है, तो आप उसे समाज को जोड़ने की जरूरत है। और वो कैसे जोड़ेंगे जब हम एक यूनिफॉर्म अल्टरनेटिव बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा और मंत्री जी को जाके बताइएगा। हम काहे बताएंगे, आप जाके बताइए ना, आपके भी हम। मैं आरोप तो आरोप ही होते हैं ना, सच थोड़ी होता है, आरोप आरोप होता है, आरोप सच नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये अपने हिस्से का झूठ एक तरीके से लगातार बोल दिए, और बीच बीच में हमने इनको कहा टोक टोक करके, उस पर कुछ नहीं बोले। गांधी की हत्या पे कुछ नहीं बोलेंगे, संविधान सभा में इन्होंने क्या किया उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग हैं जिन्होंने, आप लोग भी नोट कीजिएगा, इतिहास बता रहा हूँ आपको, कि आज ये कह रहे हैं कॉमन सिविल कोर्ट, इतिहास आप भी जाके देखिएगा सर, कि कॉमन सिविल कोर्ट का विरोध आरएसएस ने किया था संविधान सभा के अंदर। इसके अंदर 1% लोग जो है वो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, पीएचडी कर पाते हैं। ज्यादा कंसर्न कितना होगा, मान लीजिए 10% लोगों को इस बात से कंसर्न होगा कि क्या पीएचडी होती है। इनका एक ट्रोलर था, जानते हैं क्या किया, बोला ये कैसा डॉक्टर बनेगा, कैसा इलाज करेगा। मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि डॉक्टरेट की उपाधि जरूरी नहीं है कि मेडिकल साइंस में ही मिलता है, वो फिलोसफी में भी मिल सकता है। वैसे भी पीएचडी का फुल फॉर्म होता है कि डॉक्टरेट इन फिलोसफी। और जहां तक टैक्स पेयर का सवाल है, तो मंत्री जी के हवाई जहाज का जो ईंधन है वो भी तो टैक्स पेयर के पैसे से ही बढ़ा जाता है, और हम टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं, तो पीएचडी कर करके इस समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए इनका क्या है कि ना ये सीमा पे जाके मरेंगे, ना जाकर के खेत में काम करेंगे, ना गटर में उतरेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट ये ले लेंगे, ये इनका काम है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्वच्छता अभियान मोदी जी से चल रहा है। इस देश के जो सफाई कर्मचारी हैं, हजारों साल से हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं, अभियान का जिम्मेवारी उन्होंने अपने कंधे पे उठा रखा है। जिसको संविधान की प्रस्तावना याद नहीं हो वो देशभक्त है, और जिसको रामचरितमानस का एक श्लोक याद नहीं हो वो राम भक्त है। एक्चुअली जो ये पूरा का पूरा बोले हैं उसमें एक अहंकार झलकता है कि राम ने हमको बनाया होगा, भगवान जाने, लेकिन राम का घर हम बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? हम तो इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं और विश्वास ही नहीं करते पिछले 70 सालों से, जब से ये देश है, गूगल से ये संविधान है, आरएसएस का इतिहास आप सब लोग गूगल आप वामपंथियों का इतिहास अगर गूगल करेंगे, संविधान को नहीं मानने वाले, झंडा को जलाने वाले, अंग्रेजों की जासूसी करने वाले, अभी पाकिस्तान की जासूसी करने वाले, यहाँ संविधान का ज्ञान। मान लेते हैं इनकी बात को तवज्जो देने के लिए कि राजनीतिक समस्या मोदी जी के कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है, एक मिनट के लिए मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो पिछले 7 साल से जो पार्टी शासन में थी, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट, वो भी तो राजनीतिक समस्या का हिस्सा हो सकती है बेरोजगारी का। उस पे क्यों नहीं सवाल उठाते कन्हैया को? हम क्या कह रहे हैं इनसे पूछिए, बेरोजगारी खत्म करने का रोड मैप क्या है? इनसे पूछिए कि जितने सारे रेप केसेस हो रहे हैं उसको खत्म करने का रोड मैप क्या है? एक बात बताइए, देश में बेरोजगारी है, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सवाल नेहरू से करें। बात सिंपल समझने की है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या आज की है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार आज शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई, लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया, तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे,
यूपीए की सरकार में चंद्राबाबू नायडू रूठ गए हैं तो मोदी जी ऐसे मना रहे हैं जैसे पिया और जो है सजन एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कैसे हाथ पकड़ करके बिठाते हैं। जहां आपकी विचारधारा वाली पार्टियों ने राज किया वहां वहां ये मॉडल लागू किया गया। नहीं देखिए मेरी गरीबी बेरोजगारी खत्म हो गई। सुनिए मेरी एक बार सुन लीजिए। आपको मान लीजिए कि मेरी विचारधारा जो है ना एक मिनट के लिए लेफ्ट है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में है? क्या इस बात को अस्वीकार करेंगे कि वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहाँ महिला और पुरुष का रेशियो जो है वो महिला का ज्यादा है, पुरुष का कम है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहाँ ट्रैफिक सिस्टम अच्छा है? क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि वहाँ जो पब्लिक हेल्थ है हिंदुस्तान में सबसे बेटर है? देखिए क्या मोदी जी से आपको कुछ खास? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। अजय सिंह सुन लीजिए हाँ, आप बड़ा नेता का तल चापलूसी कीजिएगा तो आप भी तुरंत बड़ा नेता बन जाइएगा, ये भी होता है। कोई महिला बोले तो आप आवाज दबाने की कोशिश कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। अरे कौन दबा रहा है, आप तो बोलने दीजिए ना। ये कह रहा हूँ इसी बार जब भाषण दिए थे ना और बहन की गाली निकाले थे तब भी सोचते ये चीज चुतिया है क्या हिंदी का पत्ता? ये जो है तो आ नहीं रहे थे। और अगर आप उस बात का अगर आप अपॉलोजी नहीं दीजिएगा ना कन्हैया जी, दोबारा स्टेज नहीं शेयर करेंगे आपके साथ, घोषित रूप से कह रहे हैं। बैठ जाओ माफी मांगिए। महिलाओं के सेक्सुअल उत्पीड़न पर बहुत भाषण देते हैं, जो शब्द यूज किए थे ना बहन के लिए। चुतिया है क्या हिंदी का पत्ता? माफी मांगिए, माफी मांगवाओ भाई, माफी मांगवाइए भाई। बोलने हम सुनेंगे। ये है वो बात, 10 मिनट अगर आप सही जगह पे नहीं आइएगा ना तो वही हाल करेंगे संबित पात्रा का किया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये मतलब इनके लगता है ना कि इनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, मोदी डालते ही भड़क जाती है। नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित नाथूराम गोडसे जी पे ये कल को हाफी सही जी अगर क्या महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है उसका जी और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुमिता जी, ये गद्दारी है। इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। नाथूराम गोडसे हो या लेनिन हो या भगत सिंह हो क्या हटा दिए आपके लिए क्या है? इतना कहने के बाद जी हटाए हैं, बोलिए क्या है? बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, दिक्कत है इसमें क्या? नहीं बोलेंगे, सर आप तो 5 बजे यहाँ बैठे हैं, जनता बैठी है, क्या मैं कुचलता हुआ नजर आ रहा हूँ या मुस्कुरा कर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैं मुस्कुरा कर पूछ रहा हूँ, कुचल के भी। अमित जी आप 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं ना मुस्कुराना, एक होता है जबरदस्ती का, एक होता है ह्यूमर से मुस्कुराना। अच्छा। तो ह्यूमर को समझिए। देखिए बतोलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ। आप बतोलेबाजी करना, बोलिए ना तथ्य के साथ, बोलिए बताइए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब ये होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है, ठीक है ना। देखिए मोदी मोदी करके आप ONGC के डायरेक्टर बन गए, होशियारी वहाँ कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हमारे पास सवाल का जवाब है, आपको जवाब देने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब सुनिए। रोज रोज 9 बजे जाते हैं और भाव भाव करके चले जाते हैं, ये गलत बात है। आप जवाब पहली बात है, चैनल में डिबेट करने आता हूँ, भाव 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 करने नहीं आता। सुनिए करने बुलाते आप सवाल का जवाब भाव भाव करते हैं और बोलिए और तेज बोले और तेज बोलिए। अब हम बोल लेते हैं, पूरा कोर्ट का पढ़ूंगा। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती, अब आराम से बोलिए। ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तू बन गए ONGC के डायरेक्टर। आपके आपको संसदीय का डायरेक्टर नहीं बने हैं कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो
लीजिए भैया, चाहे देश का खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम मोदी मोदी का देश देश का नहीं करते मोदी मोदी। गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने कौन मांगा था ना गुजरात? आप और आप, कहा आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी आपके अखिलेश भैया ने कहा था, हमारे अखिलेश भैया तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप है, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे इस देश के बाप नहीं, बिल्कुल है, हमारे बाप नहीं है, आपके पिता तो चाइना में है। देखिए 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 ये सब भाषा मत बोलिए। देखिए आपके भैया हैं तो क्या हो गया? भैया होने से, अखिलेश होने से आपके पापा हैं। आपको नहीं पता हम कौन है? फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि MBBS किया हुआ आदमी ONGC का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई इंसानियत है? गांधी को मानते हैं कि गोट से, ये बस बता, आप चुप कहानी मत सुनाइए, सुनिए ये बता दीजिए, आप गांधी को मानते हैं कि गोट से? ये कौन है? ये कौन है इस तरह की बात करने वाले? आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए, मतलब आप गांधी को मानते हैं कि गोट से? शांति से नहीं, शांति से गोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले, मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोल? मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। कन्हैया जी, कन्हैया जी, ये 15 मिनट इनको सुना, जनता देख रही है, 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल रेवड़ी थोड़ी बट रहा है यहाँ पे। 15 किस प्रकार की भाषा है? आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये सवाल मैं आंसर है, किशोर जी एक सवाल है, मेरी बात सुनिए यहाँ पे। जिले भी बना नहीं, आप इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम बोलेंगे। इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, वंदे मातरम हो गया, बैठ जाइए। आप गांधी को मानते हैं गोडसे को मानते हैं? इसे है कि गोडसे को? सवाल का जवाब दीजिए। आप किसको मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं, स्टालिन मुर्दाबाद। आप बोलिए, लेनिन मुर्दाबाद दीजिए, गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद। संबित जी, कहानी मत सुनिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप गांधी को मानते हैं, स्टालिन मुर्दाबाद दीजिए ना, मैं बोलिए ना, कश्मीर जिंदाबाद बोलिए। ये क्या होता है? आपको मंत्री पद मिल गया, आप बढ़िया मोदी मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा। बोलिए, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? सवाल का जवाब इस प्रकार का। देखिए, मैं आप ये सवाल नहीं, आप बोलिए, कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं, कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं। भैया, चाइना से 1 करोड़ रुपया लेते हो, चाइना से 4 करोड़ लेते हो, चाटुकारिता की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं देश के अंदर। ये बात आपको देखिए, वोट का विचार और लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, चिल्लाते हैं। ये सवाल मैं आपको कर रहा हूँ, गांधी की गोट से, गांधी की गोट से, गांधी की गोट से, गांधी की गोट से, भारत माता की जय। कश्मीर बताइए, कश्मीर हमारा है बता दीजिए, हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है बताइए, इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए गए थे, इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान बदमाश है बताइए ना। बोलिए, मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी, संबित जी बोलिए, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोले। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूं। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले? नहीं बोलूं। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद? मैं कभी इस बात को नहीं गिनाता हूं कि मेरे परिवार से 16 लोग सेना में काम करते हैं, मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ है, इस बात को कभी नहीं गिनाता। जब इनके जैसे लोग हमारे सेना की शहादत राजनीति करते हैं, तब मैं इनमें जवाब दिया हूं। धन्यवाद संबित जी, आप आगे बढ़े, मंत्री बने, बहुत बहुत धन्यवाद, चापलूसी करते हैं। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है, शायद वही अभी हो रहा है। जो चीखता है वो नहीं सीखता है, ये समझा दीजिए संबित। उलझ गया, अमूमन हम उलझते नहीं है, लेकिन उलझ गया। बोला, ए तुम क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री हमारे शेर हैं। बोले, सुनो दोस्त, किसी शेर को किसी इंसान के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हुए देखे हो? ये काम भी इंसान ही करता है कि शेर के गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाता है। हम इंसान हैं और हमको इंसान ही होना पसंद है। और तुमको अगर लगता है कि सही में ये इतने मजबूत व्यक्ति हैं, तो फिर क्या जरूरत है, बताइए, राफेल खरीदने का जरूरत है? क्या क्या करेंगे खरीद करके? प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो, प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे, इतना फेंकेंगे। चारों खाने चित, फिर भी
फिर भी अगर दो चार पाकिस्तानी बंदूक लेकर के इधर उधर बच जाए तो प्रधानमंत्री सलमान खान की तरह शर्ट खोलेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। कैसे कैसे कर देंगे? किताब लिखे हैं, गांधी ने भी किताब लिखी थी हिंद स्वराज, उन्होंने बताया कि कैसे जो है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनके पास विचार थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पता नहीं इनका है कि नहीं, हमको नहीं मालूम। वो किताब में कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। आध्यात्मिक सुख मिलता है तो सारे मंत्री को सुबह उठ करके मंदिर जाने के बजाय गटर में डुबकी लगाना चाहिए। इसको कहते हैं झूठ, खुलेआम झूठ बोलिए। देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाए और आप कहिए कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे जो रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। ये जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है, डॉक्टर कहता है अपने आप को, तो बोला उससे पूछिएगा कि दो जोड़ दो बराबर कितना होता है, तो पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं, और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीबो गरीब बयान देते हैं। न्यायपालिका भी रो दी होगी उनके उस सवाल से। एक जज साहब ने कहा कि मोर मोरनी के आंख में आंसू डाल देता है इसलिए बच्चा पैदा हो। सुन करके लगा कि हिंदू धर्म तो नहीं खतरे में है, लेकिन इस देश में विज्ञान, लॉजिक, गणित, दर्शन, इतिहास ये जरूर खतरे में। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी माँ 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन अगर 90 साल की माँ को कोई अगर एटीएम के बाहर खड़ा कर दे तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये सार्वजनिक बात है। और ये सार्वजनिक बात जब है तब उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा। आदर प्रस्तुत करता हूँ उनको, उस माँ के प्रति मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो नालायक बेटा है उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने माँ का इस्तेमाल करता है तब हमको उस पर सवाल करना चाहिए, हमको सवाल पूछना चाहिए। आप यदि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, आप कानून लेकर के आए हैं, स्वागत है आपका, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो बिना तलाक दिए ही जिनको छोड़ करके भाग गए हैं लोग, उनका क्या? तो इतने साल से राजनीतिक जीवन में है, ये पत्नी का सवाल कब उठ करके सामने आया है? जब चुनाव आयोग ने कहा कि यदि आप शादीशुदा हैं तो उस कॉलम को आप छोड़ नहीं सकते हैं। विपक्ष का जो काम है वो काम यदि सरकार करे तो फिर विपक्ष क्या करे? विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है जवाब देना। विपक्ष जो है उसको कहता है जवाब दो और सरकार जो है वो सवाल पूछ रही है, ऐसा थोड़ी होता है। ने उठाया था माननीय मोदी जी ने करप्शन का, ये लोग बहुत करप्ट लोग हैं, इनको सत्ता से हटाइए, हमको सत्ता में लाइए, हम जो है काला धन वापस लेकर के आएंगे। आया और क्या कहे थे कि हम 2 करोड़ जो है रोजगार पैदा करेंगे, मिला। बोले थे महंगाई कम कर देंगे, और क्या कमाल का झूठ बोलते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं रैली में इतनी भीड़ जाती ही इसलिए है कि लोग देख सके कि सामने से झूठ बोलते हुए लगता कैसा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद झूठ बोलते हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। झूठ शर्मा जाए, अपना नाम बदल ले, झूठ की जगह पे अब झूठ नहीं मोदी बोला करो, मेरा नाम चल रहा है। आपको नहीं पता हम कौन।